नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं आप नेक्स्ट नाइन न्यूज़। एक बार फिर से है स्वागत आप सभी का हमारे इस चैनल यानी कि नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में, जहां हम फिल्मी दुनिया के हर बड़े कलाकार, हर नए चेहरे, पुराने चेहरे, यहां के हस्तियों की जिंदगी, यहां के खिलखिलाती मुस्कान, यहां की दर्द भरी जिंदगी, यहाँ के पर्दे की कहानी, पर्दे के पीछे की कहानी लेकर आते हैं आपके बीच। फिल्मों की जिंदगी और फिल्मों से हटकर, रूपहले पर्दे से हटकर, फिल्मी सितारों की जिंदगी की रहस्य भरी किस्सों से हम आपको वाकिफ कराते हैं। और आज इस प्रोग्राम में हम जिस सदाबहार अभिनेत्री की जिंदगी के रहस्य से पर्दा उठाएंगे, उस सदाबहार अभिनेत्री को कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन हमेशा फिल्मों में कहा गया है, क्योंकि विवादों से उनका नाता, विवादित रिश्तों से उनका नाता शुरुआती दौर से ही रहा है। विश्वजीत रे की फिल्म के दौरान सिर्फ 15 साल की थी रेखा, जो कि काफी ज्यादा बुरे वक्त का सामना करती नजर आई। निजी जिंदगी में फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी बुरी थी, उन्होंने उस दर्द का सामना किया, ये हमने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था। और आज इस प्रोग्राम में हम आपको रेखा की जिंदगी पर बनी किताब की वो पन्ने से पर्दे उठाएंगे, जिसमें यासिर उस्मान ने खुद बताया है रेखा का रिश्ता जब विनोद मेहरा के साथ था, कैसे रेखा ने विनोद की मां के गुस्से का सामना किया, यहां तक कि हाथ भी उन्होंने उठाया। रेखा रोती रही दरवाजे पर, लेकिन उन्हें ना तो एक पत्नी होने का हक मिला, ना तो प्यार मिला और ना ही बहू होने का सुख मिला। अब वाकई में रेखा और विनोद मेहरा ने शादी की थी या फिर सिर्फ और सिर्फ ये अफवाहें थी, सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस थी, ये सिर्फ और सिर्फ रेखा ही बता सकती है। लेकिन यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में जो कहा गया है, उससे हम आपको वाकिफ कराएंगे। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। Thank you.
जी हाँ, ये था हमारा शो एवरग्रीन ब्यूटी रेखा को लेकर। सदाबहार अदाकारा रेखा की जिंदगी के उस पन्ने को हमने आज खोला है जिसमें दर्द उनका विनोद के साथ रिश्ते से जुड़ा था। वक्त हो गया है आपसे यहीं पर इजाजत लेने का। बहुत जल्द लौटेंगे फिल्मी दुनिया के नए किस्से लेकर। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।